नमस्कार दोस्तों मैं हूं जितेंद्र चौधरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में जिसे आप सभी लोग बिग बाज़ार के नाम से जानते हैं तो क्या फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जो शेयर है बीस रुपये के ऊपर जाएगा या होगा ज़ीरो क्योंकि वो कौन सी गलती है जिसको यदि आप लोगों ने फ्यूचर रिटेल के शेयर में किया तो आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है तो आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर रिटेल में निवेशकों की बर्बादी किस कारण से हुई और क्या वो किरण की उम्मीद है या वो कौन सी टर्निंग पॉइंट है जिसके बेसिस पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है फ्यूचर में बीस रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो जाएगा कि नहीं और हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा अभी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का शेयर छः रुपये पैंसठ पैसे के करीब में ट्रेड करता हुआ चल रहा है और आज के डेट में ना तो कोई तेजी ना तो कोई मंदी तो किसी ज़माने में किसी ज़माने की छोड़िए दो साल पहले इस ये शेयर जो है तीन सौ रुपये के करीब में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन अचानक से इसमें जो है बिकवाली आई और अचानक से इसमें क्या हुआ कि ये शेयर जो है एक पेन स्टॉक्स बन के रह गया है तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे तो आपसे निवेदन है कि प्लीज अभी तक आप लोगों ने जे के एडुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके जे के एडुटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का देखें तो इस साल पिछले छः महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस साल तकरीबन जो है एटी सिक्स परसेंट का जो है डाउनफॉल देखने को मिला है यानी एटी सिक्स परसेंट की गिरावट मात्र जो है छः महीनों के अंदर अंदर फ्री टेल लिमिटेड के शेयर में देखने को मिल रही है और ये शेयर जो है कंटिन्यू जो है नीचे की तरफ गिरता हुआ दिख रहा है और आल टाइम देखें तो नाइन्टी सिक्स परसेंट के करीब में जो है ये स्टॉक टूट चुका है तो क्या इतने गिरावट में हमें इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए या नहीं तो आप जो है पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं कि एक कंपनी है क्या तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जिसे आप सभी लोग जानते हैं बिग बाज़ार के नाम से और किशोर बियानी किशोर बियानी जो है इसके फाउंडर हैं और इसके सीईओ थे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और फाउंडर जो है किशोर बिरयानी थे और किशोर बिरयानी एक छोटे से रिटेल शॉप से जो है इतने बड़े चैन का जो है निर्माण किए जो आज इंडिया के हर एक कोने में बिग बाज़ार के नाम से मशहूर हैं जैसे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉल होते हैं जहाँ पर आप जो है शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बिग बाज़ार बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि बिग बाज़ार फ्यूचर रिटेल की कंपनी है और आपने कहीं ना कहीं जा जाने या अनजाने में बिग बाज़ार जरूर गए होंगे यदि बिग बाज़ार गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो बिग बाज़ार जो है एक रिटेल शॉप है और यहाँ पे जो है ग्रोसरी आइटम कपड़े अनाज और अन्य चीज़ की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है इस मॉल में उपलब्ध होती हैं तो आप देखें तो इंडिया के चार शहरों में पंद्रह स्टोर इसका है इकतीस मार्च दो तक का डेटा चेक करें तो 16 मिलियन स्क्वायर फीट के करीब में जो है रिटेल जो है फैला हुआ है इंडिया की 400 सिटी में 1500 स्टोर इसके हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है काफ़ी तगड़ा है और इसके वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स देखें तो ये भी एक काफ़ी तगड़ी कंपनी है बड़ी कंपनी है लेकिन यहाँ पर जो लोचा है जो परेशानी है वो क्या है और इसके अलावा कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट थे कि कंपनी 290 सौ बिग बाजार हाइपर सिटी में जो है ओपन करने की प्लानिंग चल रही थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी जो है रातों रात दिवालिया हो गई तो दोस्तों इस कंपनी में अमेजन और रिलायंस इंडस्ट्रीज का लफड़ा है क्योंकि अमेजन का इस पर फोर्टी का स्टेक है और यहाँ पर अमेजन और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में जो है यहाँ पर कोर्ट में अभी केस चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में और चौबीस हज़ार सात सौ तेरह करोड़ का डील जो है रिलायंस रिटेल को यहाँ पर इसके जो फ्यूचर ग्रुप के जो आ, फाउंडर हैं मिस्टर किशोर बिरयानी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया हालांकि इसमें सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यहाँ पर अमेजन है तो अमेजन के बिना बताए यहाँ पर जो है रिलायंस को बेचना यहाँ पर किशोर बिरयानी को भारी पड़ गया और अमेजन ने यहाँ पर इंडियन हाई कोर्ट में जो है बाकायदा यहाँ पर केस कर दिया है जिसके कारण अभी इसका मामला एन और कोर्ट में चल रहा है जिसके कारण जो है ये शेयर जो है तितर बितर हो गया लेकिन उससे पहले इसका मार्केट कैप देखें तो कभी ये हज़ारों करोड़ों का हज़ारों करोड़ों की कंपनी थी आज जो है मात्र तीन सौ इकसठ करोड़ रुपए की कंपनी है स्टॉक पी का तो कुछ पता होता है नहीं बुक वैल्यू देखें तो माइनस ट्वेंटी पॉइंट सिक्स फेस वैल्यू देखें तो दो रुपये आर देखें तो माइनस एक सौ चौंतीस परसेंट और आर ओ सी देखिए तो माइनस तेरह दशमलव सत्तर परसेंट कभी ये स्टॉक जो है रिटेल निवेशकों का चहता स्टॉक हुआ करता था एक एक दिन में दस दस परसेंट बीस बीस परसेंट अपरस किट लग रहे थे तो उस उम्मीद को छोड़िए और इसके नंबर्स को देखिए कि अभी इस कंपनी में क्या हालात है 2020 के बाद ये कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई दोस्तों 2020 में इस कंपनी ने सेल्स किया था बीस करोड़ रुपये का जो 2021 में कम होकर हो गया मात्र छः करोड़ लेकिन 2022 में कंपनी ने फिर भी कम बैक किया और 8,541 करोड़ रुपए का नेट सेल जनरेट किया लेकिन प्रॉफिट देखें तो 2020 में मात्र 34 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था जो 2021 में घट कर हो गया 3,180 करोड़ रुपए का नेट लॉस हो गया 2021 में वहीं घाटा और भी बढ़ता गया और माइनस चार हज़ार चार सौ पैंतालीस करोड़ रुपये जो है फाइनेंशियल ईयर दो हज़ार बाईस में इस कंपनी के देखने को मिला है तो कंपनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है टूट चुकी है और जो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड फिर से बाउंस बैक करेगा तो आप एक बार डेटा चेक कीजिए कि कंपनी का मार्केट कैप मात्र 500 करोड़ से कम है और कंपनी के ऊपर तेरह करोड़ रुपए का डेप्थ है कर्ज है और रिज़र्व प्राइस जीरो है माइनस एक हज़ार दो सौ छब्बीस करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस है माइनस तो जितनी बड़ी कंपनी नहीं है उससे जो है ज़्यादा यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्ज है यहाँ पर प्रमोटर्स देखें तो प्रमोटर्स भी धीरे धीरे स्टेक कम करते हुए नज़र आ रहे हैं Q4 फोर में देखें तो उन्होंने यहाँ पर अट्ठारह से घटाकर चौदह कर लिया है एफ भी होल्डिंग घटा रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपना स्टेक कम करते हुए नज़र आ रहे हैं और स्टेक जिसका बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है पब्लिक का आम जनता का और वो लोग सोच रहे हैं कि काश ऐसा दिन आएगा फ्यूचर रिटेल जो है फिर से छः रुपये से साठ रुपये जाएगा और मेरी किस्मत बदल जाएगी इतना वीडियो आपने देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको निवेश करना चाहिए या नहीं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप बताइए क्या करना चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी इस स्टॉक से दूर रहें तभी भलाई है क्योंकि अभी इसका मामला कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोर्ट से कोई डिक्लेयर नहीं आएगा तब तक हमें निवेश करने से बचना चाहिए वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना भूलें